क्या गाय के जबीहे पर पाबंदी के पीछे गाय चरागाह गौ माला निगलने की साजिश थी? सिद्धरमैया सरकार ने बोम्मई सरकार के आखिरी दिनों में किस किस को कहां कहां जमीनें अलर्ट की हैं इसको पता लगाने की हिदायत दी है। क्या है इसके पीछे का राज, देखते जाइए। नाजरीन, मैं मोहम्मद तलहा सिद्दी बापा। बोम्मई सरकार, माशरे में नजर आने वाली नाइंसाफियों बशमूल हिजाब पर पाबंदी, मुस्लिम रिजर्वेशन की मनसूखी, हलाक होने वालों के लिए मुआवजे में इम्तियाजी सलूक, मोरल पुलिसिंग और कमज़ोर तबके के फसादात और मारपीट में मुलविस अफराद को बासानी जमानत मिल जाने वाली सेक्शन लगाना, ये सब खुले आम दिखाई देने वाले जुल्म कर रही थी। इसके साथ साथ बोम्मई सरकार कर्नाटक के अवाम को धोखे में रखकर जमीनों को हड़पने का बड़े पैमाने पर काम किया है। ये बात डिफाइल के जी महांतेश ने सबूत के साथ सामने लाए हैं। ये मालूम है कि बम्बई हुकूमत ने संघी संगठन जैसे राष्ट्रोत्थान परिषद, जनसेवा ट्रस्ट और इसकी एक और तंजीम विश्व हिंदू परिषद को मवेशी चरागाह के लिए मुख्तस की गई जमीन और इस तरह की दूसरी जमीनें कौड़ियों के दाम फरोख्त की हैं। खास बात यह है कि हुकूमत के महकमे कानून और खजाना ने इस फरोख्त की मुखालिफत की थी, लेकिन फरोख्त के अमल से यह जाहिर होता है कि बम्बई हुकूमत की बदउनवानियां और पार्टी की तरफदारी की पॉलिसी इस मुखालिफत पर अंधी हो गई। इसलिए वजीर आला सिद्धरमैया ने बम्बई हुकूमत के गुज़िश्ता 6 माह के ज़मीन अलाटमेंट के मामलात का जायज़ा लेने का हुक्म दिया है। कुछ चौंका देने वाले हकायक ये हैं। विजयनगर ज़िले के होसपेट ताल्लुके में अकलियती मोरारजी देसाई रहायशी स्कूल की इमारत के तामीर के लिए 20.17 एकड़ अब ज़मीन मुख्तस की गई थी। डिफाइल वेबसाइट ने इंकशाफ किया है कि इस जमीन में से 5 एकड़ जमीन बेंगलुरु राष्ट्रोत्थान परिषद को अलाट की गई है। बम्बई हुकूमत ने 2022 और 2023 में जनसेवा ट्रस्ट को कुल 35 एकड़ गौमाला के लिए अलाट की गई जमीन कम कीमत पर देने का हुक्म जारी किया था, जिसमें से 25 एकड़ गौमाला उस वक्त की मार्केट वैल्यू की 25% कीमत में तकसीम की गई थी। इसके अलावा बाकी 10 एकड़ गौमाला उस वक्त की मार्केट कीमत के बराबर कीमत पर फरोख्त कर दी गई थी। ताहम जनसेवा ट्रस्ट ने हुकूमत से रुजू किया, कीमत को कम करने की दरख्वास्त दी। बम्बई हुकूमत ने इस पर फौरन इकदाम करते हुए मार्केट रेट का सिर्फ 5% रेट मुकर्रर करने का हुक्म जारी किया। ये बात डिफाइल वेबसाइट पर मौजूद है। डिफाइल की दी गई इत्तला के मुताबिक बम्बई हुकूमत ने चामराजनगर, मैसूर, चिकमगलूर, होसपेट, मंडिया, यादगीर इजला में तकरीबन 20 एकड़ गौमाला राष्ट्रोत्थान परिषद को फरोख्त किया। इसके अलावा डिफाइल ने यह भी इत्तला दी है कि एलहंका तालुका के हुरूली चिकनहल्ली गांव में 7,45,00,000 रुपये मालियत की गौमाला जमीन सिर्फ 1,86,00,000 रुपये में राष्ट्रोत्थान परिषद को फरोख्त किया गया है और इससे 5,59,00,000 रुपये का नुकसान सरकारी खजाने को हुआ था। एक और चौंका देने वाली हकीकत, इंतखाबी जाब्ते अखलाक के निफाज के फौरन बाद 35.33 एकड़ अराजी जनसेवा ट्रस्ट को मार्केट वैल्यू के सिर्फ 5% की शरह पर फरोख्त की गई थी, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को 139,25,00,000 रुपए के नुकसान होने का अंदाजा लगाया गया है। एक तरह से ये इत्तला सामने आई है कि 2020 से 2023 के दरमियान बम्बई हुकूमत ने कुल 167.23 एकड़ जमीन अलॉट की हैं, जिसमें 81.23 एकड़ जमीन संघी संगठन के इदारों को और 21.23 एकड़ जमीन मातृचिन्या गुरुपेठा को दी गई हैं। इन हकायक के सामने आते ही साबिक वजीर कोटा श्रीनिवास पुजारी सरगर्म हो गए हैं और सोशल मीडिया में इस पर बहस हो रही है। उन्होंने कहा कि संघ परिवार को दी गई जमीन वापस लेना दुरुस्त नहीं है। इससे ये बात वाजे हो जाती है कि डिफाइल की तरफ से जाहिर की गई मालूमात को मान लिया गया है। वैसे गौमाला एक ऐसी जगह है जो गाय चराने के लिए मखसूस है। एक तरफ तो यही बम्बई हुकूमत न सिर्फ गाय के लिए इंतहाई तशवीश का इजहार कर रही थी,
बल्कि गाय के जबीहे पर पाबंदी का कानून भी नाफिज कर चुकी थी। संघी संगठन बिलवास्ता तौर पर गाय के नाम पर मारपीट और कत्ल तक का जवाज़ फराहम करने के कायल हैं। दूसरी तरफ इसी हुकूमत ने गौमाला को भी अपने ही संगठन को कौड़ियों की कीमत पर बेच दिया है। कोई भी हुकूमत जो गाय से प्यार करती हो और गाय को पूज्य की जगह देती हो, इन्हें गाय चरने की जगह बेचना तो दूर, ऐसा सोचना भी पाप समझना था। अगर हुकूमत का जवाब ये हो कि मवेशी चराने की रिवायत कम हो गई है तो इसका हल क्या है? कीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम बेच दें या इस जमीन पर घास उगाकर किसानों को मवेशी चराने की रिवायत पर कायम रखने की कोशिश की जाए? गौमाला खाली और बंजर पड़ी हुई है तो इसकी जिम्मेदार अवाम नहीं बल्कि खुद हुकूमत है। पहले किसान 2-3 मकासद के लिए गाय पालते थे। काश्तकारी का मकसद सिर्फ अनाज उगाना नहीं था, दूध हासिल करना, गाय के गोबर से खेत के लिए खाद और खेत में हल चलाने के लिए इस्तेमाल करना होता था। दूसरी वजह यह थी कि दूध देने और काम करने की सलाहियत ख़त्म होने के बाद इन्हें बेचकर नए मवेशी खरीद दिए जाएं, ताकि इस तरह किसान की मईशत का तवाजुन बरकरार रहे। ताहम बम्बई हुकूमत ने गाय के जबीहे पर पाबंदी के कानून के जरिए इस रिवायत को ख़त्म करके किसानों की मईशत को बड़ा धचका दिया। न सिर्फ गाय और बैल की फरोख्त पर पाबंदी थी, पूरी रियासत बल्कि मुल्क भर में एक ऐसा माहौल तैयार किया गया जो कोई भी गाय फरोख्त करता या मजबा खानों तक पहुंचाता, उनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक करके इन्हें माशरे में शर्मिंदा करते थे। किसानों से ऐसे मवेशियों को खरीदने और ले जाने वालों को मारने और मरवाने का अमल भी बगैर किसी रोक टोक के होता रहा। इसके नतीजे में किसानों ने गाय पालने से मुंह मोड़ लिया। हल चलाने के लिए ट्रैक्टर पर इनसार बढ़ गया। गाय बछड़े और बैल आहिस्ता आहिस्ता खाली हो गए। एक गाय दूध देना बंद करने के बाद भी 10 साल तक जिंदा रह सकती है। जो बैल हल चलाने के लिए मौजूद नहीं, इसकी उम्र भी इतनी ही होती है। अगर एक किसान परिवार में ऐसी 4 गायें और बैल हों तो क्या होगा? एक किसान इसे कैसे पाल सकता है और किसान क्या कर सकता है जब वो इसे चारा नहीं दे सकता और न इसे बेच सकता है? इसके पास गाय बैल फार्मिंग का काम छोड़ने के अलावा और क्या रास्ता बच जाता है? ऐसे ही जानवरों के लिए होती है गौमाला। हमें अंदेशा लगने लगा है कि गाय जबीहा पर पाबंदी के पीछे रियासत भर में सैकड़ों एकड़ चरागाह गौमाला को फरोख करने का हुकूमत का नापाक इरादा था। क्या हुकूमत ने जाहिरी तौर पर गाय मुहाफिज का निकाब पहनकर अंदर से जमीन फरोख्त का कारोबार करने का इरादा था? क्या गाय के जबीहे पर इम्तिना का कानून इसीलिए नाफिज किया गया था ताकि सैकड़ों एकड़ गाय चरागाह की जमीनें अपने ही संघी संगठनों को कौड़ियों के दाम फरोख्त कर दी जाए? अगर नहीं, गौ रक्षक राष्ट्रोत्थाना परिषद जनसेवा ट्रस्टों को इस गौमाला जमीन को ये कहकर लेने से इनकार कर देना चाहिए था कि वो गाय के चरने की जमीन नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने इसे कौड़ियों के दाम खरीद लिया। ये है उनकी गाय से मोहब्बत। सिद्धरमैया हुकूमत को किसी रुकावट और बदले की भावना के एहसास के बगैर तहकीकात करने दें। अगर आप सच्चे गौ प्रेमी हैं तो गौमाला की जमीन निगलने वालों से यह जमीन उगलवाने में सिद्धरमैया हुकूमत की मदद करें। अब तक सिर्फ इतना ही, आगे किसी और मजमून पर गुफ्तगू होगी आपसे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।